हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने कौन सा वीडियो बनाया है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक शाही पनीर की रेसिपी। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो शाही पनीर है इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि आज हम लोग, मैं थोड़ा सा दो तीन शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि शाही पनीर का नाम शाही पनीर पड़ा कैसे। अकबर को तो हम सभी लोग जानते होंगे, बचपन में सभी लोगों ने कहानी सुनी होगी अकबर बीरबल की। वही जो अकबर राजा थे, उन्होंने अपने हाथों से सबसे पहली बार शाही पनीर को बनाया था। और उसको बनाने के बाद उन लोगों, मतलब राजा ने, अकबर जो थे उनने पूछा दरबारियों से कि अब सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्वादिष्ट भी है, सभी को बहुत पसंद भी आई, तो इसका नाम क्या रखा जाए। तो सभी जो दरबारी थे उन्होंने आपस में डिस्कस किया और उसके बाद उन्होंने राजा को सजेस्ट किया कि आप एक राजा हो, आप एक शहंशाह हो, तो क्यों ना हम इसका नाम शाही पनीर रखें, क्योंकि पनीर तो एक कॉमन नाम था, पनीर की सब्जी है, मतलब ये कॉमन नाम हो जाता। तो उन लोगों ने सोचा कि इसका नाम हम क्यों ना शाही पनीर रख दें। ऐसे इस पनीर की रेसिपी का जो नाम था वो वहाँ से पड़ा, मतलब उन्होंने रखा था। अकबर ने इससे पहली बार बनाया भी था और उन्होंने ही इसका नाम शाही पनीर रखा था। गाइस, आई होप आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। बातें बहुत हो चुकी है, हम अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शाही पनीर बनाने के लिए हम लोग लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन, 3 बड़े कटे हुए प्याज, 4 बड़े कटे हुए टमाटर, 200 ग्राम हम लोग पनीर लेंगे। पनीर आप आपके हिसाब से, आपको जैसे पीसेस पसंद हो उस पीसेस में काट लें। उसके बाद हम लोग लेंगे खड़ा मसाला, उसमें हम लोग लेंगे 4 से 5 लौंग, 1 स्टार एनीस, 2 इंच के करीब हम लोग लेंगे दालचीनी, 1 काली इलायची लेंगे और 2 हरी इलायची। उसके बाद हम लोग लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब तेल, 1 टेबलस्पून के करीब चीनी। चीनी हमारे यहाँ मीठा खाते हैं इसलिए थोड़ा हम लोग ज़्यादा डालते हैं, आप अपने हिसाब से डाल ले चीनी। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून हम लोग लेंगे फ्रेश क्रीम, 1 टीस्पून हम लोग लेंगे हल्दी, 6 से 7 बादाम लेंगे, 10 से 12 काजू लेंगे हम, काजू थोड़े ज़्यादा लेंगे बादाम से, देन 1 टीस्पून जीरा लेंगे, 1 टीस्पून ओरिगैनो लेंगे, देन 1 टीस्पून हम लोग लेंगे लाल कश्मीरी मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च ना हो तो आप लोग नॉर्मल, हमारे यहाँ जो लाल मिर्च रहती है वो भी ले सकते हो। उसके बाद हम लोग लेंगे 1 कप पानी। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर एक पैन रखेंगे, उस पैन में हम लोग टमाटर, प्याज और हमने जो लहसुन की कलियाँ रखी थी वो, और बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। देन नेक्स्ट हम उसमें खड़ा मसाला डालेंगे, उसके बाद 6 से 7 जो बादाम निकाल कर रखी थी वो डालेंगे, उसके बाद हम इसमें काजू ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें जीरा डालेंगे, देन 1 टेबलस्पून जो ऑयल निकाल के रखा था वो डालेंगे, देन हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद हम लोग गैस का जो फ्लेम है उसको मीडियम पे रखेंगे ताकि कुछ भी जले ना, देन उसके अंदर हम लोग 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे। देन अब हम इस पैन को कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे।
सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो भी इसमें चीज़ें डली हुई थी, टमाटर या नट्स हो, सब अब बहुत अच्छे से पक चुके हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को प्रेस करके दिखा रही हूँ, देखिए बहुत अच्छे से ये सब पक चुके हैं। उसके बाद हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद हम लोगों ने इसमें जो भी होल स्पाइसेस डाले थे, मीन्स जो भी खड़ा मसाला डाला था, वो इसमें से हम लोग निकाल लेंगे, बिकॉज इनका जो भी फ्लेवर था वो इसी में उतर गया है। सो उसके बाद हम इसे रिमूव कर लेंगे। मसाले निकालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम लोग इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे इसका पेस्ट बनाने के लिए। जैसे कि गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, मिक्सचर ठंडा होने के बाद हम लोगों ने इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए। सो गाइज़, उन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंडर में पीसने के बाद मैंने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था और उस पेस्ट को मैंने इस बड़ी सी छन्नी की सहायता से छान लिया था अच्छी तरीके से। इस पेस्ट को छानने से ये होता है कि हमारी जो शाही पनीर की ग्रेवी होती है वो बहुत ही सिल्की और स्मूथ बनती है। सो प्लीज़ आप इस स्टेप को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। सो गाइस, अब हम लोग शाही पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गैस की फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर एक पैन रखेंगे। उस पैन में हम लोग एक टेबलस्पून के करीब बटर डालेंगे। देन बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने के बाद इसमें हम लोग ओरिगैनो डालेंगे। और याद रखना है कि गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखें। देन अब हम इसमें हमारे जो क्यूब्स में हम लोगों ने पनीर काट के रखे थे छोटे छोटे क्यूब्स में, अब हम वो ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये याद रखें कि पनीर को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसे हम अच्छी तरीके से मिला लें। इससे हमारा जो पनीर है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पनीर लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें हमने जो प्यूरी पहले से बना कर रखी थी वो ऐड करेंगे। हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन उसके बाद अब हम इसमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी भी हम अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे। आप लोग मीठा खाते हो तो ज़्यादा ऐड कर लें, और अगर मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो कम ऐड करें। जैसे कि गाइज़ आप लोग देख सकते हैं हमारी जो शाही पनीर है उसमें उबाल आ चुका है। देन अब हम उसमें जो हमने फ्रेश क्रीम निकाल के रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम को हम हमारे शाही पनीर में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें थोड़ी सी उबाल और आने देंगे। उबाल आ जाए उसके बाद हम हमारी गैस की जो फ्लेम है उसे ऑफ कर देंगे। देन आप लोग देख सकते हैं हमारी जो शाही पनीर है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी शाही पनीर जो थी वो रेडी हो चुकी है। मैंने उसे एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। देन उसके ऊपर मैंने गार्निशिंग के लिए मलाई को डाला है। देन उसके बाद अब मैं पनीर को कीस के उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए वो भी ऐड कर दूंगी। सो इससे हमारा जो पनीर शाही पनीर है वो और अच्छी दिखने लगेगी। सो गाइस, ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। इसे आप ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। सिर्फ देखने से नहीं काम चलेगा, इसे बनाकर भी एक बार देखिएगा आप लोग ज़रूर, बिकॉज मैंने जब ये मतलब
इस रेसिपी को जब बनाया था इस सब्जी को घर में तो सभी को बेहद पसंद आई। सो आप लोग भी इसे बनाइए और अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाइए और आप भी खाइए। ओके सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।